मैं अंबेडकर आल्हा गायक रघुनाथ टेलर एंड पार्टी डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से आज गंगा कैसेट दिल्ली की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आल्हा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रोतो आप गौर करना, बाबा साहब ने इस समाज को क्या क्या नहीं किया है जो अधिकार दिलाने में काम कर रहे हैं। तो प्रस्तुत है बाबा साहब की वंदना। तो प्रथम चरण वंदन करूं और जोड़ी कदू नमुहा, बार बार विनती करूं बुध चरण नमा, दूरी करो अनज्ञान भक्त का विपदा नाशो, रघुनाथ टेलर अब कहाँ नाम ज्वाला मजधारा, बल थकया हमार थाम गुरुवर पतवारा, जय 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 सिर बुद्धि जी की सुमिर भीम गुणवाने, भारत माँ पर गट भयो बाबा खूब बढ़ायो साने, बाबा खूब बढ़ायो सान ज्ञान बिन जग अंधियारो, फाटक दियव उघार बुद्धि के खुलय दुआरो, बुद्धि भगवान दली तुर सबका भागा, बबुद्धि धर्म गयो छाय नींद स्वावती मह जागा, बाबा साहेब भीम की अब कोटि कोटि परिणाम, अब कलम हाथ मा गही लियो की पूरण की जो काम, बाबा पूरण की जो काम ज्ञान या पायते आवे कई बै आल्हा छंद ज्ञान बतलाए दियो बाबा, बुद्धि भगवान दल दूर सबका भागा, हर बुद्धि धर्म गय छाय नींद स्वावती महजागा, अब पहले मसुम रहो माता पिता का जिनकी को खिली नया अवतार, मास नव गर्भ मराखा पैदा होती पिलायव दूध, ओ बड़ी मुसीबत से स्यावा है जो हमका पाल केहन तैयार, करे सुमिरव बुद्ध गुरु का जन्म है बुद्ध के न प्रकाश, लिखा के होशियार बनावा तो
हम उन्हें का लगायन आस हर महस में रव संभोर इसका यही भारत के बीच मैदान गरीब समाज का उठाने खातिर अपनी निगरदन दिया कटाए और फिर महस में वीर अकला बिक यही भारत के बीच मैदान नामी अर्जुन रह दुनिया मत उन्हों के दीना मान घटाए और फिर मैं सुमिरो संत रविदास का यही भारत के बीच मैदान या भव सागर मान नैया डूबत बाबा खेक लगायो पार पत्थर की मूर्ति तैराय का जीत का झंडा दिया दिखाए और फिर मैं सुमिरो भीम राव का जो भारत मलहिन अवतार जा भव सागर मानैया डूबती बाबा खेक लगायो पार समैया के हर सामा सो तो सुनियो कान लगाए और विदेशी भारत आए अपन कब्जा दिन जमाए और जाति पाति और छुआ छूतियो मेरे भारत मा दिन लगाए वही समैया के हर समय अब आगे का सुनो हवाल छह हजार जातिन मह बात इतना मानो कहा हमार वैसा कह दिया ये भारत का बूते हाल कहे ना जाए आप देखिए मनु का संविधान उस समय बना था तो मनु जी ने क्या कहा था कि मनु महाराज रहे आर्य विदेशी मनु छल मूर्ति बनावाना धन बुद्धि ज्ञान बुद्धि बल बुद्धि लैलिहनी और कई देहला पशु के समानवाना गांव के दक्षिण मा शूद्र बसाय दिहनी और गटई महंडी टंगावाना हथवाम घंटी बंधाय देहला भाये और सुना पिछवाते झाड़ू लटकावाना और ठीक है दोपहरी माँ कामलिहीन शूद्रन से तो उनका निशाचरे कहावाना तो रोय रोय भाई पुरीखा जीवन बिताय दिहनी और पातरस उनके कोई लावाना और पातरस बाबा भीम राव लाए तो देशवो मनाम उनका छावाना तो देशवो मनाम उनका छावाना तो धोबी धानु चमार पास इनका इनका कौआ पढ़ावत नाये कथन पढ़ावत नाय वही समैया के आर सहमत बाबा भी मलिन अवतार अप्रैल का ये भैया बाबा भी मलिन अवतार
सीतायो राम जी राव राह श्रोताव सुन लियो कान लगाए। भीमा माता की कोखी मालिना जन्म भीम गुणवान। बंबई इलाका महाराष्ट्र मा इनका जन्म भयो है आए। अब 5 साल के भीम बाबा भे तब पढ़ने को भयो तैयार। बसता पाटी हाथ मली ना टाटी पाटी लिया उठाए। पढ़ने खातिर बाबा साहेब स्कूल में पहुंचे जाए। मुंशी बैठ रहा कुर्सी पर सब लड़कन को रहा पढ़ाए। समैया के यार सामा अब स्कूल पहुंच गए जाए। हाथ जुअर के बाबा साहेब हुई मुंशी ते कहा सुनाए। हम हूँ आयन है पढ़ने का मुंशी जी हमका दियो पढ़ाए। तब तो मुंशी बोलन लागो भीम रावत कहा सुनाए। न बताए तुम ना जानी हो ताते तुम्हें रहन समझाए। सूत्र वंश मा तुम पैदा भयो ना को पिए घड़ा का पान। अब सूद का लड़का जो पढ़ जाए है तो मनवादी वंश हो जाए। सूद का लड़का जो पढ़ जाए है तो सवरण वंश हानि हो जाए। का चाहिए मजूरी करना जौने बंसली हो अवतार। और तुम्हारे करम्मा विद्या नाहिन कैसे तुमका दे पढ़ाए। लाली फेरी आकी कह के हाथ में डंडा लिया उठाए। जौने जगह पर भीम जिठाड़े मुंशी अटा बराबर जाए। चट्ठा मार दिए गाले पर हमारी नजर वाट हो जाओ। 5 साल के भीम बाबा रहवी समया के बीच मैदान। और परा चटकना जब गाले पर तो भीम जी रोए रकत के आंस। तो रोआवत रोआवत भीम राव ने अपने घरे पहुँच जाए। और जिनके पिता यो सूबेदार रहे वी समया के बीच मैदान। रोआवत देखा भीम राव का तो धक्का लगा कले जम जाए। और तुरथ उठा लिए भीम राव का यो छाती मा लीन लगाए। तो काहे का लाल आज रोआवत हो अरे बेटा हालत यो बतलाए। तो रो रो बानी बाबा साहेब अपने पिता से रहे बताए। कि आज पढ़े स्कूल में गई मारी का मुन से हदिया है भगाए। ऐसे बात कहा बहु मुन से पिताजी हालू के लड़का जो पढ़ जाए है सब रण बंस हानि हो जाए। पशुद्र वंश में हम पैदा भन को ना पिए घड़ा का पान। नया है पिताजी तुमसे कोई जतन से दियो व पढ़ाई।
भया लिख भया ना भारत मथुरा भया कोई या काम के नाही। तब समझावा सुबेदार ने बेटा न रोवो रकात के आस। तुमका इच्छा है पढ़ने का तो बेटा तुमका दिया पढ़ाए। तब सुबेदार घर अपन तो चल के पहुंचे जाए कमांडर पास। एक कमांडर रहे बंगला मा चिंता कोई ये बात कहना है। हाथ जोड़ के सुबेदार ने ओ कमांडर से कहा सुनाई। चौदह बहन भाई माँ छोटे जिनका भीम राव है नाम। अब आज पढ़ाई स्कूल ले गए ले मार के मन से दिया भगाए। अब वैसी बात कहा वह मुंशी मालिक हाल कहा ना जाए। ये दूध के लड़का जो पढ़ जाए हैं सब रण बांसा हानि हो जाए। मका चाही मंजूरी करना जौने बंसली हो अवतार। अब तुम्हारे करम्मा विद्या नाहिल कैसे तुमका दे पढ़ाए। मार चकना वही का ख्याता है बिन मेरा गोसैया ग्यार। अब नाम लिखा दियो मेरे बेटा का तो जिंदा गुण भूलेंगे नाय। सुन के बात है सुबेदार की अब कमांडर के सुनो हवाल। चले कमांडर घर अपने ते अब स्कूल पहुंचे जाए। जा मुंशी बैठ रहा है कुर्सी पर सब लड़कन का रहा पढ़ाई। जतन है लड़का स्कूल है माँ सब अंग्रेजन के पढ़ाई दिखाए। पहुंचे कमांडर जब स्कूल में तब मुंशी के सुनो हवाल। चट दूतर पड़े कुलसी ते मालिक दीना शीश नवाए। तारिक कुर्सी स्कूल में यो कमांडर कदिया बैठाए। जुड़े कजोरिया मुंशी बोले मालिक सुनो हमारी बात। कैसे चरण हुए स्कूल में हमका हाल दियो बतलाए। और तब कमांडर बोलन लागे मुंशी सुनो हमारी बात। ये चौदह बहन भाई माँ छोटा जही का भी मरा है नाम। और आज पढ़े स्कूल आवा क्यों तुम मार कदी हो भगाए। पढ़ाया उस लड़का का यतना हम का दियो बताए। अब सुन कह बात आई बेरिया माया आगे का सुनो हवाल। और तब ही मुंशी बोलन लागे जो कमांडर से कहा सुनाए। कि शूद्र वंश माई पैदा भे ना को पिए घड़ा का पानी। अब मुंशी ने कहा उस कमांडर साहब से कि शूद्र वंश माई पैदा भे ना को पिए घड़ा का पानी। इनका चाही मंजूरी करना जौने वंश लिहिन उतारे। शूद्र के लड़का जो पढ़ जाई हैं तो सबरण वंश हानि हो जाए। और तहते खेद दीन स्कूल ते मालिक मानो कहा हमारे। इतनी बात सुना मुंशी का तो कमांडर लाल पेरी हो जाए। धारी फटकारा है मुंशी का आरियल बेले बोल बनाओ। अब बिना बताए तुम ना जानी हो ताहते तुम्हें रहन समझाए। जाति पाति तो बीरवा बालम जो
भाई अलग पढ़ाई देखलाई। और मकोड़न मैया इन मह जाति पर आए देखलाई। बहरहा गोरु मा जाति है जो अलग अलग पर आए देखलाई। अब चिरैया चिरगुन मह जाति है तुम ते साच रहे न बतलाए। अब न्यारा जाते नहीं मन इन माना कुछ फरक पर आया देखलाए। हवा चलाए तो सबके लागे सूरज घाम सभी का दे। बराबर जल बरसत है सब जन हरी तरा बरले। माटी को खिते सब जन पैदा यावा नहीं राह को ना। वही नाम लिखो भीम जी का नहीं अनबात बात हो जाए। नाम काट देव तुम्हार मन से तो रही हो कोई ये काम के ना। बकरी चरई हो कोई बगिया मा सब मर्यादा नासी हो जाए। हाय रजिस्टर तुर पहले ना लिख दिए भीम राव का नाम। पहले का छम नाम लिखावा अब नहरा के देर लगाए। नाम लिखा ये कभी मराव का कमंडर कूच गए करवाई। और सुबेदार घर अपने पहुंचे भीम राव ते कहा सुनाए। भाई सी अबानी सुबेदार ने भीम राव ते कहा सुनाए। और नाम लिखा स्कूल आए न बेटा पढ़े जयो स्कूल। आइए बाबा साहब की कथा उसी जगह से प्रारंभ है। तो प्रीत करियो तो साचेत करियो और झुंठा से प्रीत करियो का बहुना। करो बाबा भी मत करो पर नारी से प्रीत करो का बहुना। बला चच हो अपने कुल का ससुरारी मजाया बसो का बहुना। साहेब बिचारी कहाँ कहूँ बात करो तो हंसे हो का बहुना। तो छोहिड़ माँ जरा इन बातन का परिचय भीम राव का तैयार। फिर बहलन लागे बेटा सुनो हमारी बात। और नाम लिखाई स्कूल मयान बेटा पढ़े जावे स्कूल। बड़े खुशहाली भीम राव का मन मा बहुत खुशी हो जाए। भोर भोर हरी कोयल बोले अब नहरा कया देर दलाई। और सब तू तो या बोलन लागी फोटी का बेम नारायण क्यार। अब
पढ़ने खातिर बाबा साहेब फिर पढ़ने को भयो तैयार। बसता पाटी हाथ मलीना टाटी पाटी लिया उठाए। पढ़ने खातिर भीम रावण फिर स्कूल पहुंचे जाए। जतने लड़का है स्कूल में यार विदेशी पर दिखाए। मूल निवासी बाबा साहेब वही स्कूल पहुंचे जाए। आवत देखो भीम राव का मुंशी कहे स्कूल है क्या। अब ऐसी बान में मुंशी बोले बच्चा सुनो दले तन क्यार। दूरी बिछा लियो स्कूल में तुम कह बेटा त्याग पढ़ाए। एक फटाहा बोरा बाबा साहेब स्कूल मालिया बिछाए। मजी बैठ गए पढ़ने को लेकर बुद्ध देव का नाम। तो काखा गाघा अंगा लड़का अरे पढ़ते स्कूल के मैदान। सुन सुन बोली भीम राव ने अब तो लिखे बनाए बनाए। अब जिनके है विद्या है खो पड़ी अम्मा उनका बारन बाका जाए। आठ रोज के अंदर अंदर सभा के मारतव बोलवनाओ। कहरा भीम जिला के जिनका ये धन्य घड़ी अवतार। नंबर आवा इंतिहानन का तब मुंशी के सुनवा हवाल। दूरित नंबर मुंशी बतावे अब दूरिन तेरा पढ़ाए। पहला कक्षा फर्स्ट पास भे बाबा भीम राव गुणवान। फिर दूसरे तीसरे अब चौथे मागे औ पचये में पहुंचे जाए। अब पचये का छम भीम पढ़त रह तब आगे का दुनो हवाल। एक दिन प्यास लगी भीम जी के घूटी लार प्याट ना जाए। मरे प्यास के बाबा साहेब नल के पास पहुंचे जाए। और पानी पीने का जब लबके तो लड़का कहा सोबरण ग्यार। अपने हाथ पानी पी हो तो यो नल छूती हो जाए। चुल्लू लगाए का दूरी तो बैठो दूरी से पानी द्याव पियाए। नमर प्यास के बाबा साहेब अपनो चुल्लू दिया लगाए। तो पानी तो पी ली ना चुल्लू मुल धक्का लगा कर ले दे जाए। कहीं भी मनाओ मन ही माँ सोचे अवहे टाइमा करे बेचार। जो हम पढ़े जाए तो पानी का बदला लेती चुकाए। अपने हाथे पानी पी तू तो अभिला का पूरा हो जाए। पढ़ते रहे हैं बढ़ते रहे हैं बाबा भीम राव गुणवान। छठे सतए औ अठे में इतने मानो कहा हमार। दसवा भीम पढ़त रहे देखो काह करे भगवान। अब
काचम भीम पढ़ाई हुई स्कूल के बीच मैदान अब नंबर आवा इम्तिहान का तब मुंशी के सुनो हवाल इम्तिहान भीम की दीना यवना राख देर लगाए दसुआ का अच्छा फर्स्ट पास भे बाबा भीम राव गुणवान तब गांव गांव मा चर्चा होएगा चर्चा रहा जिला मा छाय सूत के घर का एक लड़का है जहिका भीम राव है नाम तो फर्स्ट यो नंबर जिला में बाबा वही की को बराबर नाय वह समैया के अरसामा स्रोत तो सुनियो कान लगाए अब एक पड़ौधा का राजा रह कुर्मिक बांसली हो अवतार और छत्रपति साहू जी महाराज जी ने कह जान सकल जहान और एक दिन सौ खबरिया राजा के द्वारे सभा दिए करवाए जिले भर के लड़का बुलवाए के द्वारे सभा दिनी लगवाए।